नमस्ते सभी को, मेरा नाम सिद्धार्थ पंडा, आप देख रहे हैं स्टडी विद सिद्धार्थ। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो हमारे न्यूज में अभी लास्ट 24 आवर में सबसे ज्यादा हाईलाइटेड है ड्यू टू द एजुकेशन सिस्टम्स। हम इंडिया की एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात करेंगे और NEP जो आज लॉन्च हुआ है वो कैसा है और क्यों है वो उसके बारे में हम अच्छे से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बहुत दिन से मैं वीडियो नहीं कर पा रहा था क्योंकि मेरा कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स था, बट ठीक है, अभी से कंटिन्यू वीडियो आएगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए क्योंकि लास्ट में आप स्टूडेंट हो या फिर टीचर हो, आपके लिए मैं एक हिंट छोड़ के जाऊंगा जो आपके लिए बहुत काम की चीज आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो NEP 2020 क्या है और पहले क्या हिस्ट्री था, तो अगर हम अच्छे से थोड़ा समझेंगे तो एजुकेशन पॉलिसी एक देश का एजुकेशन सिस्टम को डिफाइन करता है। सोच लो कोई एक देश का ब्लूप्रिंट एजुकेशन सिस्टम में वो पॉलिसी में डिटरमाइन किया जाता है। तो हमारा जो लास्ट एजुकेशन पॉलिसी था वो 1986 में था, जब राजीव गांधी थे शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उनके टाइम में ये हुआ था। अभी उसके बीच में और 2020 के बीच में इट्स अ 34 ईयर ऑफ गैप। इसमें बहुत सारा डेवलपमेंट किया, हम रोबोट्स लाए, हम सिस्टम इंजीनियरिंग किए, एडवांस मशीन लर्निंग किए, तो इसके चलते हुए बहुत सारा दिक्कत होने लगा था। तो हमारे एजुकेशन को एक नया सा लाइफ चाहिए था, फिर रिन्यूएबल होना जरूरी था। तो अभी इस गवर्नमेंट ने ये 2019 में इसका ड्राफ्ट बनाए थे, तभी मैं भी बहुत सारा पार्टिसिपेट किया था, मैं भी अपना जो व्यू है वो दिया था और आप लोग भी बहुत सारे अपना व्यू दिए थे। तो वहां से पता चला है कि 2019 में जो ड्राफ्ट हुआ था वो 2020 में जुलाई में कमीशन हुआ। तो इसमें क्या है डिटेल में हम थोड़ा अच्छे से समझेंगे। इसमें एक बहुत बड़ा चेंजेस हुआ है जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा इस गवर्नमेंट के बारे में, और ये जो NEP हुए है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसके बारे में बहुत अच्छा लगा। एक एक पार्ट में हम लोग बात करेंगे। तो पहले सोचते हैं कि जो नेशनल ईपी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये पहले 1986 में आया था, उससे पहले कोठारी कमीशन का था। तो ये सब ना एक देश का एजुकेशन के ऊपर में बारे में बात करते हैं। तो पहले अभी हमारा एजुकेशन पॉलिसी क्या है, 10+2+3 या फिर +4 जो बीटेक करते हैं या फिर जो 4 साल का कोर्सेज करते हैं। तो आप इसको अच्छे से समझने के लिए कोशिश कीजिए कि हमारा 10वीं तक पढ़ते थे, फिर +2 पढ़ते थे, फिर उसके बाद हम जाते थे ग्रेजुएशन करने या फिर फलाना ढिकाना जो भी कर ले। अभी वो सिस्टम टोटली चेंज हो गया, मतलब पूरा चेंजेस हो गया। अभी इसको समझने के लिए मुझे थोड़ा टाइम लगा, मैं थोड़ा ड्राफ्ट पढ़ा, फिर से वो सारा चीज उसको भी पढ़ा, लेकिन ये बहुत अच्छा चीज हुआ। अभी आप सोच रहे हो कि हमारा तो हो गया नहीं, हमारा भाई लोग का होने वाला है, छोटे हमारे बहन है उनका भी होने वाला है, सबका चेंजेस हो जाएगा विथ इमीडिएट इफेक्ट। 2020 के इफेक्ट से ये चेंजेस हो जाएगा। आप ग्रेजुएशन में हो तो भी आपको जानना जरूरी है कि आप नेक्स्ट में क्या करोगे, फ्यूचर में क्या करोगे। आप अगर बीएड लाइन में जाना चाहते हो, आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हो, तो उससे क्या होगा। तो ये जो 3 मिनट के वीडियो में, अभी 3 मिनट 10 सेकंड हो गया, तो उसके वीडियो में मैं ये बात बता चुका हूं आपको कि क्या होने वाला है, क्रिस क्रॉस आपको बता चुका हूं, अभी डिटेली चलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट आता है एजुकेशन जो सिस्टम है वो 10+2 को डिवाइड कर दिया गया। तो कैसे किया गया, 5+3+3+4। अब इसको अच्छे से समझते हैं। तो इसको नॉर्मली 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, प्रिपेरेटरी स्टेजेस हो गया, फिर एलिमेंट्री स्टेजेस हो गया, फिर सेकेंडरी हो गया, फिर हायर सेकेंडरी हो गया। तो इसको अगर अच्छे से मैं बताऊं तो नॉर्मली पढ़ाई होता था, हम लोग, मैं भी एक टीचर ट्रेनी हूं तो मुझे पता है कि 5 साल से नॉर्मली एजुकेशन शुरू होता है, लेकिन उसका डिफिनेशन अभी यहाँ पर टोटली चेंजेस हो जाएगा। बच्चा 3 साल का है तभी से उसका पढ़ाई शुरू होगा, मतलब 1, 2, 3 जो एज है वो अपनी मम्मी पापा के पास पढ़ेगा, लेकिन हाँ जब से पैदा हुआ है और 3 साल तक उसको क्या पढ़ाना है और क्या नहीं पढ़ाना है वो भी गवर्नमेंट डिसाइड करेगा, और जो उनके मम्मी पापा को है उनको एक स्लिप देंगे कि आप इनको बस ये चीज सिखाइए, जैसे बेसिक कम्युनिकेशन हो गया, मम्मी पापा बोलना, रेस्पेक्ट देना, ठीक है। आफ्टर जो 5 ईयर्स है, 3, 4, 5, 6, 7, तो अभी क्या होता है कि 3 to 5 वो प्रिपरेटरी में रहेंगे, किंडरगार्डन हो गया, LKG या फिर आपका जो भी फलांडी का नर्सरी में है वो करेंगे। लेकिन इसमें बहुत सारे स्टेट्स का कुछ नहीं था पार्ट, इवन उड़ीसा में या फिर वेस्ट बंगाल में ये एंटिटी का नहीं था। इस साल से लागू होगा कि आपके जो प्रिपेरेटरी क्लासेस है उसमें भी हमारा ये कंपल्सन रहेगा कि गवर्नमेंट की तरफ से वो करा जाएगा, जैसे आंगनबाड़ी बोलते हैं किसी किसी स्टेट में, तो वो उसको ज्यादा एनस्ट्रेंथ किया जाएगा, उसमें क्या है बेसिक कम्युनिकेशन आएगा। तो उसके बाद जो क्लासेस है 1, 2 वो भी उसके साथ मर्ज हो जाएगा,
तो इससे एक तो श्योर है कि लगभग ज्यादा वैकेंसी आएगा उस सेक्टर्स में। अंडर टू तक खत्म हो गया, बच्चा अभी 7 साल का हो चुका है, उसको 3 सेशन में दिया जाएगा, जैसे क्लास 3 हो गया, 4 हो गया, 5th हो गया, इसे बोलते हैं एलिमेंट्री स्टेज। इसमें बच्चों को इंट्रोडक्शन टू द मैथ्स, इंट्रोडक्शन टू द लैंग्वेज, इंट्रोडक्शन टू द साइंस, एक बेसिक सा दिया जाएगा कि नहीं बाहर क्या चल रहा है, जैसे ट्रेन जा रहा है तो ट्रेन में आगे क्या है, वो उसका इंजिन है, वो उसको समझाया जाएगा। और इसमें मोस्टली क्या दिखा जाता है एजुकेशन सिस्टम में इंडिया में, जो मगिंग होता था ना, रट्टाबाजी जो जिसे बोलते हैं, वो टोटली बंद हो जाएगा। आप जितना अंडरस्टैंडिंग करोगे उतना आगे जाओगे। पहले होता था स्कूल में रट्टाबाजी कर देते थे, 10th में 12th में अच्छा मार्क्स ला लेते थे, कॉलेज में चले जाते थे, और उसके बाद बहुत सारा दिक्कत होता था उनको। अभी क्या है ना कि बच्चे ना मार्क लेके लेके चले जाते हैं, बीटेक से एक आईआईटी से बीटेक करते हैं, उसके बाद यूपीएससी कोचिंग करते हैं। तो बीटेक क्यों किए तुम, एक बच्चे का जो इंजीनियरिंग पढ़ना चाहता था उसका सीट तुम खा लिए, अभी वो सिस्टम नहीं हुआ। एक प्योर बेसिस में आप जहां पर जाना चाहते हो, आपका स्किल जो जहां पर है वहां पर उसको उसकी तरफ आपको जाना पड़ेगा। तो उसके बाद ये तो है, मैं बताऊंगा धीरे धीरे, आप थोड़ा सब्र रखिए और इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिए, ठीक है। और कोई आपका दोस्त है जो स्टूडेंट्स है या फिर जो जॉब की तलाश में है, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो उसको भी ये वीडियो शेयर कीजिए भाई। सब्सक्राइब बढ़ाओ और नहीं बढ़ाओ तो क्या होगा। चलो ठीक है, तो चलते हैं हमारे मुद्दे पे। जो क्लास 3, 4, 5 ये रहेगा आपके स्कूल्स में रहेगा, और वहां पर डिफरेंट एंगेजिंग पार्टिसिपेंट्स मनाया जाएगा। फिर आएगा क्लास 6, अभी झटका लगता है, ठीक है। इवन जब मैं नवोदय शिफ्ट हुआ था क्लास 5 से 6 में, तो हक्का बक्का रहेगा, पढ़ाई इतना हो रहा है, मैम सर इतना पढ़ा रहे। ऑल्दो नवोदय वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट स्कूल इन माय डिस्ट्रिक्ट, इन माय स्टेट आप बोल सकते हो, लेकिन जाते वक्त मुझे भी बहुत सारी दिक्कत का प्रॉब्लम हुआ था। लेकिन अभी क्या होगा, सबसे बेहतरीन है कि 6 में जो इंट्रोडक्शन होगा वो बहुत धीरे धीरे होगा, और आपको 6 में एक बहुत अच्छा सा स्किल मिलेगा, वो है वोकेशनल स्किल। मतलब गवर्नमेंट ये बता रहा है कि क्लास 10th 12th तक पार होने से पहले बच्चों को एक कोई भी स्किल्स में एक्सपर्टीज मिल जाना चाहिए, जैसे कारपेंटरिंग हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, कोई भी ऐसे जो अगर कोई बच्चा छोड़ भी दिया 8th क्लास से 9th क्लास एजुकेशन छोड़ भी दिया, मजबूरी हो सकता है, लेकिन उसमें भी उनको एक लिवलीहुड का चांसेस मिलेगा, ये सबसे बहुत अच्छा लगा। और एक बहुत कंपल्सरी चीज है कोडिंग, ठीक है। हम लोग जब स्कूलिंग में थे हमें बड़ा कोडिंग का नशा चढ़ा था, HTML ट्राई कर रहे थे, फिर डिफरेंट कर रहे थे, तो ये स्ट्रेंथ सारे बच्चों को दिया जाएगा, क्योंकि NEP बोलता है कि जो कोडिंग है उससे आपका साइंटिफिक टेम्परमेंट बढ़ता है और एनालिटिक स्किल बढ़ता है। अभी जो इंजीनियर भाई लोग मेरे को देख रहे होंगे तो उन्हें बहुत अच्छे से पता होगा कि कंप्यूटर स्किल और कोडिंग कितना जरूरी है। तो कंप्यूटर स्किल आप फ्यूचर करो या फिर ना करो, बीटेक या फिर कंप्यूटर में जाना ना चाहो, लेकिन कोडिंग सीख के जाओ, उससे आपका एक डेवलप स्किल हो जाएगा। मतलब माइंड जितना चलता है उससे ज्यादा चलेगा। आपको किसी एक एग्जांपल से बता दूं, अभी जितने भी व्यूअर्स हैं, मैं अगर पूछूंगा कि 8-7 जा कितना है, ठीक है, फिर 13-3 जा कितना है, बच्चे ग्रेजुएट है लेकिन फिर कैलकुलेटर लेके बैठना शुरू हो जाएंगे, इतना नहीं होना है हमें, क्योंकि ऐसे आएगा तो मुंह में बोलना है, क्योंकि वो ब्रेन में चलेगा, उसका जो बेस है वो कोडिंग से आएगा, और इससे बहुत एनालिटिकल स्किल भी डेवलप होगा। फिर उसके बाद आता है 6, 7, 8 खत्म हो गया, अभी मैं देख रहा हूँ कहीं कुछ छोड़ ना दूं बोल के, ठीक है, 9, 10, 11, 12। अभी क्या होता है, 9th में जब जाते हैं ना तो हक्का बगा के, लेकिन अभी इंटरेस्टिंगली क्या देखो कि अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी नहीं पढ़ना है, फिजिक्स में नहीं आ रहा है, मैथ में पल्ले नहीं आ रहा है, तो मत पढ़ो, आपको कोई बोलता नहीं है, ठीक है। 9th 10th 11th 12th एक सर्कल में रह जाएगा, और 11th में तो आपको पता है 11th में जाते मोस्टली बच्चे फेल हो जाते हैं, डर लगता है, एक कहावत है साइंस ले लो फिर साइंस आपका ले जाएगा, ये बहुत डरावनी चीज है। लेकिन क्या होता है कि वो जो 11th का स्ट्रेस अभी 9th 10th 11th 12th में बढ़ जाएगा। तो 9th से अगर बच्चे कैलकुलस सीखेगा, इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन सीखेगा, तो 11th में उसको दिक्कत नहीं आएगा इतना। तो वो चीज को बहुत ज्यादा यहाँ पर एनस्ट्रेंथ करने की कोशिश किया गया, ये बहुत अच्छा है। जो 9th 10th 11th 12th में एक ऑटोनॉमी मिलेगा स्टूडेंट्स को कि क्या चूज करना चाहते हैं, और इसमें एक है सब्जेक्ट, एक है एडवांस सब्जेक्ट, एक है करिकुलर, एक है एक्स्ट्रा करिकुलर। एक्स्ट्रा करिकुलर को एज ए सब्जेक्ट लेना इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ दिस NEP। इसमें क्या होता है कि आपको डांस पसंद है, सोचो मेरा कोई दोस्त है वो गाना अच्छा गाती है, तो अभी आप गाने में परस्यू करो ना, गाने में एक सब्जेक्ट लेके करो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉरी कोरोना बोल ज्यादा बोल दिया, लेकिन कर सकते हो, ठीक है।
जोक्स अपार्ट, तो इसमें क्या होगा आपको कि सॉन्ग लेके या फिर कोई डिवेडिंग पसंद है, आपको स्पोर्ट्स पसंद है, आप सोचो स्टेट लेवल का कोई क्रिकेट प्लेयर हो या फिर बास्केटबॉल प्लेयर हो, तो उस स्पोर्ट्स में आप एक्सपर्टीज करो, पीटी टीचर बनो, उसमें रिसर्च करो, लेकिन आप सब्जेक्ट उसको एज ए सब्जेक्ट ले सकते हो। हमारा जो ऑथेंटिक नॉर्मली जो प्रोग्रेस कार्ड होता था या फिर जो रिपोर्ट कार्ड होता था, उसमें सिर्फ मार्क लिखा जाता था और ग्रेड दिया जाता था। लेकिन अभी क्या होगा, टोटली जो स्टूडेंट है वो क्या करता है, कैसे करता है, कितना स्किल्स है उसके पास, कितना नॉलेज वो एक्वायर किया है पास्ट 12 इयर्स, पास्ट 13 इयर्स, उसको मेंशन किया जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा है। मतलब सोच सकते हो कि जो नेक्स्ट जनरेशन आने वाला है या फिर जो अभी बच्चे हैं, उनको ये बहुत इंपॉर्टेंट काम करेगा। तो अभी ये हो गया हमारे स्कूलिंग सिस्टम्स, फिर उसके बाद चलते हैं ग्रेजुएशन सिस्टम्स। जो अभी मेरे बहुत सारे व्यूअर्स है वो मोस्टली ग्रेजुएट ही होंगे या फिर ग्रेजुएशन कर रहे होंगे, ठीक है, तो या फिर नहीं करने वाले होंगे। तो उसमें क्या होता है कि इंडिया का अगर मैं स्टेटस बताऊं तो इंडिया में 25% प्योर ग्रेजुएट्स है। मतलब अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम 100 बच्चे अगर पढ़ते हैं स्टैंडर्ड वन में, ग्रेजुएशन तक सिर्फ 25 से 26 बच्चे ही रह जाते हैं और बाकी के छोड़ देते हैं बीच में। इसको ज्यादा करना है, क्योंकि अगर इंडिया इज बिग इकोनॉमी बोलते हैं 2030 तक थर्ड इकोनॉमी बन जाएगा वर्ल्ड का, तो उसको मैनेज करने के लिए आपको ग्रेजुएट चाहिए चाहिए, कोई एक एक्सपर्टीज चाहिए जो उस सेक्टर में बहुत ज्यादा काम कर सकता है। तो इससे क्या होगा, जो ग्रेजुएट्स का हमारा जो 25-26% है ऑफ होल स्टूडेंट रेशियो, उसको 30 से बढ़ा बढ़ा कर 2030 तक 50% से ऊपर करने का प्लान है, जो एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। आईक्यू डेफिनेशन जो है, आप अगर आईक्यू इंटेलिजेंट क्वेश्चंस बोलते हैं, उसको डेवलप करना है 2025 तक। जितने भी ग्रेजुएट स्टूडेंट्स है या फिर जो पास आउट हो चुके हैं, उनको इंस्टेंट करना है। इंस्टेंट का मतलब है उनका जो आईक्यू लेवल बढ़ाना है, क्योंकि ग्रेजुएट तो कर लिए सेमिस्टर से एक दिन पहले रट के, लेकिन उससे नहीं चलेगा। अभी आपको उस सेक्टर में और ज्यादा इंडल्स में पढ़ना पड़ेगा, उससे आईक्यू बढ़ेगा। फिर उसके बाद आता है कि इंक्लूसिव एजुकेशन करना है। अभी बहुत सारे व्यूअर्स होंगे नॉन एजुकेशन सेक्टर वाले, इंक्लूसिव एजुकेशन होता क्या है, एक सबको मिला के एजुकेशन करना है, कि आपको खेलना भी है, आपको डांस भी करना है, आपको गाना भी गाना है, आपको पढ़ाई भी करना है, रट्टा नहीं करना है, समझना है, फिर लेबोरेटरी में प्रैक्टिकल करना है, उसको और किसी को पढ़ा सकते हो वो वाला स्किल भी आपको चाहिए, उसको डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हो, उस टाइप का एक बहुत इम्पोर्टेंट सेक्टर बन जाएगा इंक्लूसिव एजुकेशन में। फ्री एजुकेशन बनेगा, फ्री एजुकेशन मतलब सबको, पहले क्या होता था जो राइट टू एजुकेशन के अंडर में आता था, 14 साल तक जो 14 इयर्स के बच्चों को तक फ्री में मिलता था, लेकिन एनईपी में बोला है कि 3 साल से 18 साल तक उनको हाथ लेके हम लोग पढ़ाए, तो वो 18 साल तक इतना पढ़ लेगा कि अगर वो छोड़ना चाहे कोई दिक्कत की वजह से तो भी वो जॉब कर सकता है, नहीं तो अगर इतना अच्छा पढ़ लिया होगा तो क्या कि वो फर्दर एजुकेशन भी करना चाहेगा। इससे हमारा जो ह्यूमन कैपिटल है वो बहुत ज्यादा अच्छे से बिल्डअप होगा। ठीक है, तो अभी क्या है कि ग्रेजुएशन में जैसे मेरा पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है, तो मैं सिर्फ लेता हूँ पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स ही ले सकता हूँ। ठीक है, अभी लिया हूं मैं जो, लेकिन अभी अब आप अगर कोई बॉटनी का ऑनर्स है, कोई जूलॉजी ऑनर्स का है, तो वो बस स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट में देख रहा है। लेकिन अभी इससे फायदा क्या होगा, इससे क्या फायदा होगा, आप सोचिए कि अगर मैं चाहूं, मेरा अगर फेवरेट बायोलॉजी है और फिजिक्स है, मैं ना पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी रख सकता हूं। ये पहले नहीं होता था। अभी मेरे को हिस्ट्री पसंद नहीं है तो ठीक है, मैं हिस्ट्री छोड़ दूंगा, मेरे को बायोलॉजी पसंद है तो मैं बायोलॉजी लूंगा। मतलब मेरे को एज ए स्टूडेंट एक बहुत बड़ा स्पेयर मिल गया कि मैं किसको चाहूं चूज कर सकता हूं। ये अगर कोई सर्टिफिकेशन कोर्स करना चाहते हैं तो भी वो कर सकते हैं। ठीक है, जो केजीवीपी स्कूल होता था कस्तूरबा गांधी, वो 10th क्लास तक था, उसे भी 12th करने का सोचे हैं। फिर ग्रेजुएशन का एक बहुत अच्छा एग्जांपल से आपको बताऊं, सोचो कोई ग्रेजुएट करता है, सेकंड ईयर में उसका जॉब लग जाता है, कोई भी जॉब लग जाता है या फिर मैरिज हो जाता है या फिर छोड़ देता है इनकम करने के चक्कर में, तो उससे क्या दिक्कत होता है कि वो छोड़ देता है। अगर बाद में करना चाहे उसे फिर से फाउंडेशन से करना मतलब फर्स्ट ईयर से करना पड़ता है, वो नहीं होगा अभी। तो कैसे होगा, थोड़ा अच्छे से समझते हैं। ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर ज्वाइन है, एक साल खत्म कर लिए, छोड़ गए, तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ दैट कोर्स मिलेगा। समझ पाए क्या मैं बता रहा हूँ, कि जितना भी ग्रेजुएशन कोर्स है वो 3-4 साल का होगा, लेकिन आप फर्स्ट ईयर से छोड़ देते हो तो आपको सर्टिफिकेशन मिलेगा।
मतलब ये जो टोटली सिस्टम होगा वो क्रेडिट बेस्ड सिस्टम होगा। अभी क्रेडिट बेस्ड सिस्टम क्या है कि जितने भी कोई भी ग्रेजुएट सर्टिफिकेट लेने के लिए, डिग्री लेने के लिए आपको एक डिफरेंट क्रेडिट लेना पड़ता है। जैसे इग्नो में 96 है, सीबीसीएस में डिफरेंट क्रेडिट सिस्टम है। ऐसा कर देंगे कि क्रेडिट सिस्टम आप लोगे, एक साल तक पढ़ोगे, अगर छोड़े तो आप अगर कंटिन्यू करना चाहो नेक्स्ट 10 साल के भीतर, तो आप सेकेंड ईयर कोर्सेज को शुरू करोगे, ना कि फर्स्ट से फिर से पढ़ना पड़ेगा। ये बहुत अच्छा है। फिर सेकेंड ईयर में अगर आप छोड़ रहे हो तो आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा, डिप्लोमा इन पॉलिटिकल साइंस, डिप्लोमा इन बायोलॉजी, डिप्लोमा इन बॉटनी। ये अच्छा चीज है, ठीक है। ऐसा चीज पहले कभी नहीं होता था, लेकिन अभी होगा। 3 साल में करोगे तो आपको जनरल डिग्री मिलेगा। जनरल डिग्री क्या है, जिसको अगर यूपीएससी का करना है, एसएससी का प्रिपरेशन करना है, जाना है उधर, तो 3 साल का कोर्स लो और भागो, ठीक है। आपको अगर जाना है तो जाओ, 4 साल का कोई मजबूरी नहीं है, लेकिन 3 साल करो और जाओ, आपके पास डिग्री हो जाएगा। और जो फोर्थ ईयर होगा नॉर्मली बीटेक का हो जाए या फिर किसी भी कोर्सेज, एजी का हो जाए या फिर फॉरेस्ट्री का हो जाए, कोई भी कोर्सेज का जो फोर्थ ईयर होगा वो टोटली रिसर्च पर्पज में होगा। और ये मैं जो बता रहा हूँ ना, ऐसा फेंक नहीं रहा हूँ, एनईपी में लिखा है, आप चाहो तो देख सकते हो। और एनईपी में ये बहुत अच्छे से लिखा गया है कि अभी से शुरू होगा, 2020-21 एकेडमी ईयर से ये शुरू हो जाएगा। अगर आप स्टूडेंट्स हो या फिर कोई टीचर हो तो आपको ये बात जानना जरूरी है। जैसे एग्जाम्पल हो गया, आपके जो रीजनल लैंग्वेज में आपके कॉन्टेंट बनेंगे, सोचो किसी को इंग्लिश नहीं आता है, मोस्ट ऑफ द इंडियंस को नहीं आता होगा, तो उनके चक्कर में उनका जो रीजनल लैंग्वेज है, 8 मोस्ट रीजनल लैंग्वेज है और या फिर 22 जो शेड्यूल लैंग्वेज है, उसके बेसिस पे भी रीजनल कॉन्टेंट बनाएगा। कौन बनाएगा? एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों मिलकर बनाएंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो कॉन्टेंट अगर ओडिया में आपको हिंदी में, तेलुगु में, मराठी में मिल जा रहा है, तो उससे आपको बेनिफिट होगा कि नहीं, आप जो कंटेंट एक्सेस नहीं कर पा रहे थे ड्यू टू लैंग्वेज डिफरेंशिएट, अभी आप उसको ले सकते हैं और यूज कर सकते हैं। फिर आता है वर्चुअल लैब। अभी हमारे इंडिया का जो लेबोरेटरी सिस्टम से बहुत अच्छा नहीं है, हर एक स्कूल में तो लेबोरेटरी नहीं है। इवन इन माई डिस्ट्रिक्ट नवोदय को छोड़ के और केंद्रीय विद्यालय को छोड़ के कोई भी स्कूल में लेबोरेटरी नहीं है। तो इससे क्या होता है कि बच्चों के पास जो लेबोरेटरी नॉलेज चाहिए होता है वो नहीं एक्वायर कर पाते। तो जिनके पास सोर्सेस होगा उसको वो डिजिटलाइज करेंगे, डिजिटलाइज करके लोगों को देंगे। जैसे आईआईटी एनआईटीज में होता है, अगर कोई आईआईटी एनआईटीज का देख ले तो कमेंट सेक्शन में लिखो, ठीक है। तो वर्चुअल लेबोरेटरीज में ये आप कर सकते हो। फिर आता है इंडिपेंडेंट टीचर पेडागोजी। इंडिपेंडेंट टीचर पेडागोजी क्या आता है, जो टीचर अपने हिसाब से पढ़ेगा कि नहीं उसको इतने आप ऐसे पढ़ाओ, उसको इतना आप ऐसे पढ़ाओ, जो गवर्नमेंट अभी दे रहा है बहुत सारे सिस्टम्स, वो ऐसा नहीं होगा। वो चाहे तो अपने हिसाब से ही वो कर सकता है और पढ़ा सकता है। उससे क्या होगा कि टीचर का मोनोपोली ज्यादा होगा, और एक अच्छा है कि नहीं वो पढ़ाना चाहता है और अपने हिसाब से पढ़ाएगा और अच्छा ही पढ़ाएगा, ठीक है। फिर आता है आपका रेगुलर एक्टिविटीज में डाला जाएगा, क्योंकि जो आपका एजुकेशन होगा वो लर्निंग बेस्ड ना होते हुए एक्टिविटीज बेस्ड होगा। आप जितना काम करोगे उतना सीखोगे। अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी, जैसे घर में तो ताना आता ही होगा कि नहीं बेटा फिजिक्स में ग्रेजुएशन कर लिया, बल्ब चेंज नहीं करने आता है बोलते, ठीक है। अगर कोई ग्रेजुएशन कर लिया बायोलॉजी से, मेंढक को पकड़ने में डरता है, तो उसको ज्यादा स्ट्रेंथित बनाना है, ठीक है। तो आप अगर बायोलॉजी सेक्टर में जा रहे हो तो आपको इंजेक्शन देना तो आना ही चाहिए, ग्रेजुएशन कर चुके हो आपको, तो आपको इतना इंस्टेंट कर दिया जाएगा कि नहीं एक इमरजेंसी के टाइम में आप एक एज ए पैरामेडिक काम कर सकते हो, ठीक है। अगर इमरजेंसी आता है तो आप खुद को खुद इंजेक्शन दे सकते हो, ये चीज सिखाया जाएगा आपको, ठीक है। फिर फिजिक्स में बहुत सारे सेक्टर्स में है तो उनको एनस्ट्रेंथ किया जाएगा जो डिफरेंट डिग्री लेके बैठे, ठीक है। अभी मास्टर्स के बारे में बात करते हैं, तो मास्टर्स का जो कोर्सेस है वो टोटली 1 ईयर का हो जाएगा या फिर 2 ईयर का हो जाएगा, डिपेंडिंग ऑन योर ग्रेजुएशन। अगर आप 4 साल के ग्रेजुएशन किए हो तो 1 साल का मास्टर्स, 3 साल का ग्रेजुएशन किए हो तो 2 साल का मास्टर्स, समझ में। तो अभी नेक्स्ट आता है रिसर्च प्रोजेक्ट्स। तो रिसर्च में क्या होगा कि पहले एमपीएल होता था 2 साल का, फिर आपका पीएचडी होता था 2-3 साल का, अभी उस सबको मिला के 4 साल का पीएचडी कोर्सेज कर देंगे। तो 4 साल का पीएचडी कोर्सेज होगा तो क्या होगा कि जो एमफिल का जो फिलोसफी पार्ट था, जो अननेसेसरीली हेवी हो रहा था बच्चों को, वो कट जाएगा और बच्चों को जो स्कॉलर से उन्हें बहुत अच्छा सा नॉलेज मिलेगा इन पीएचडी सेक्टर्स। ये कुछ हमारा एनईपी का है, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। अभी मैं आपको बोलने वाला था कि लास्ट पॉइंट में क्या बोलूंगा, एक सरप्राइज था। एनईपी में बहुत ही ज्यादा वैकेंसी आएगा ड्यू टू एनईपी 2020, बहुत ही ज्यादा वैकेंसी आएगा, मतलब तबाही मचा देगा। क्योंकि एनईपी में जो सेक्टर्स है वो 14 इयर्स का सेक्टर्स को निकाल के 18 इयर्स का स्केल बना दिए,
तो इसके चलते वैकेंसी बहुत ज्यादा आने वाला है. वो हो गया आपका पीआरटी में हो गया या फिर टीजीटी पीजीटी और डिफरेंट एरियाज में आने वाला है वैकेंसी. गवर्नमेंट 6% का अपना जो जीडीपी है वो यहाँ पर इंडल्स करेगा. कोठारी कमीशन का दिया हुआ था लेकिन अभी तक नहीं हुआ है 34 साल में. लेकिन इस साल से 6% लगभग फिंगर क्रॉस गवर्नमेंट फंडिंग करे तो इतना ज्यादा फंड आएगा तो टीचर का सैलरी भी बढ़ेगा, टीचर का वैकेंसी भी निकलेगा और जितना भी स्टेट्स में हो गया या फिर सेंटर में हो गया जितना भी वैकेंसी चाहिए वो सबके सब फिलअप होगा. तो अगर कोई स्टूडेंट्स दिख रहे हैं तो उनके लिए है कि आप एनईपी के चलते कोई बनना नहीं चाहता है, मोस्टली सब सारे बीटेक करना जाना चाहते हैं, इंजीनियरिंग करना चाहते हैं या फिर मेडिकल. दो सेक्टर में डिवाइडेड है हमारे स्कूल सिस्टम. आप दूसरे सेक्टर में भी आप जाना चाहते हो जो जा सकते हो. जैसे एजुकेशन सिस्टम हो गया तो मेरे को बोल सकते हो, कमेंट में लिख सकते हो कि नहीं आप एजुकेशन में जाना चाहते हो तो मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, आपको मैं गाइड करूंगा. ठीक है, तो अगर कोई मेरे एज का है वो जाना चाहता है कि एजुकेशन सिस्टम में क्या होगा कैसे नहीं होगा और क्या हो सकता है और एनईपी रिक्रूटमेंट को लेके क्या बोलता है, टीचर एलिजिबिलिटी थोड़ा चेंजेस हुआ है उसके बारे में भी एक है, अगर आप चाहते हो कि उसका भी वीडियो मैं बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में बताना. अगर आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो या फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर भी नीचे दिया गया है, वहां पर आप मैसेज कर सकते हो. तो नेक्स्ट वीडियो के लिए नमस्ते. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो घंटे उसको भी बता दीजिए क्योंकि मैं अगर रेगुलरली वीडियो करने का प्लान में हूं. ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल शेयर कीजिए, आपके ग्रुप में शेयर कीजिए. उससे क्या होगा, जो दूसरे लोग नहीं जानते एनईपी के बारे में उनको पता चल जाएगा. तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक.